Hello everyone, my name is Trupti Solanki. I am a physics faculty and on this amazing platform I am going to start a new channel NPC. NPC means Neva Physics Classes. Actually Neva, meri daughter ka naam hai and she is very lucky and inspiration for me. So I choose this name for this platform. इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फिजिक्स से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स, क्लास टेंथ से लगाकर क्लास ट्वेल्थ के सारे वीडियो लेक्चर्स हम वन बाय वन अपलोड करते रहेंगे हमारे इस चैनल पर NPC. वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मोस्टली बच्चों को फिजिक्स से थोड़ा डर लगता है, थोड़ा टफ लगता है ये सब्जेक्ट. तो मैं इन सभी के लिए कहना चाहूँगी कि फिज़िक्स को अगर आपने अपने डेली लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट किया और इसे पॉइंट टू पॉइंट स्टडी किया है तो आपको ये सब्जेक्ट इजीएस्ट लगेगा, आपको इसे स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बिलीव मी, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट ही रहा है फिज़िक्स. और आज से मैं ऑनलाइन लेक्चर्स भी स्टार्ट कर रही हूँ बस आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि आप लोगों को इजीएस्ट और सिंपल वे में मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूँ. आई होप आप सभी को मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आए. इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास का, क्लास टेंथ का फर्स्ट वीडियो लेक्चर, इलेक्ट्रिक सिटी. ओके, हमेशा हम लोग क्लास स्टार्ट करने के साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो कि इस वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डील विथ इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, एट लास्ट वील डिस्कस फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के पहले हमें उसके ओरिजिन कहाँ से आया है वो आपको पता होना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन सोर्स है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज. और इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो जनरली आप सबको पता ही होगा, बट मैं बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज एटम से आया है. ओके, हमारे अराउंड जो भी सब्सटेंस है, जो भी मेटल्स हैं, उन सभी में एटम्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एटम से आया है. एक्चुअली एटम का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको पता है. सपोज वी हैव एटम एंड ऑन दिस सेंटर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द एटम एंड द चार्जेस ऑन दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर ऑन. इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मीन्स इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है. या फिर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. अगर कोई बॉडी है, अगर आप खुद को ले लीजिए, अगर आपको कोई टच करेगा तो आपको करंट नहीं लगेगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में चार्जेस नहीं हैं. चार्जेस हैं बट वो इक्वल अमाउंट में. अगर कहीं पर भी किसी भी प्लेस पे इक्वल अमाउंट में चार्जेस होंगे, मीन्स जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तो आपको वहाँ पर करंट नहीं लगेगा. ओके, इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो हैं वो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. ओके, चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन को बोलते हैं. ओके, अब क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, मीन्स अगर आप टू चार्जेस की बात करें, लाइक चार्जेस की बात करें या अनलाइक चार्जेस की बात करें, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है. बट कब और कैसे लगता है? तो देखिए, रिपल्सिव फोर्स कब लगता है? जब लाइक चार्जेस हो या दोनों चार्जेस की वैल्यूज और नेचर सेम हो. मीन्स देखिए, पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होगा तब रिपेल्सिव फोर्स लगेगा, एंड नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्जेस
होंगे तब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा? जब दोनों चार्जेस डिफरेंट हो, अपोजिट हो, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए और अगर पता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूज ऑफ चार्ज। ओके, अब हम वैल्यूज़ पर डिस्कस करते हैं, वैल्यूज ऑफ चार्जेस। तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर प्रोटॉन्स वैल्यूज आर सेम बट साइंस आर डिफरेंट बिकॉज द नेचर ऑफ द टू फंडामेंटल पार्टिकल्स आर डिफरेंट। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एंड फॉर प्रोटॉन इट इज़ पॉजिटिव वैल्यू, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम इज द यूनिट, जैसे आप लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं वैसे ही चार्जेस के लिए आप कूलम यूज़ करेंगे। चार्जेस को आप कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और यूनिट होता है कूलम, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हम मास की बात करते हैं, मास ऑफ चार्जेस। तो फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ के जी किलोग्राम। ओके, किलोग्राम भी यहाँ पे यूनिट है, जैसे आप अभी आपने कूलम के बारे में पढ़ा। एंड फॉर प्रोटॉन इट द वैल्यू ऑफ मास इज 1.6 × 10⁻²⁷ के जी। ओके, ये जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ये सिंपल सा लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो ये जो है वो बेसिक सी चीज़ें जिन पे हमने डिस्कशन किया कि चार्ज आया कहाँ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल मीनिंग होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस मीन्स चार्जेस का मोशन करना, चार्जेस का फ्लो करना किसी भी कंडक्टर में। बट एक वर्ड यहाँ पे ऐड हो जाता है, रेट। रेट का मीनिंग होता है कि आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं, अगर नंबर ऑफ चार्जेस किसी भी कंडक्टर में फ्लो करते हैं इन एट टाइम टी, देन द प्रॉपर डेफिनेशन इंक्लूड द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर डेफिनेशन के लिए, प्रॉपर उसका कंसेप्ट समझने के लिए आपका ये वर्ड से कनेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। ओके, रेट हियर क्यू इज चार्ज एंड टी इज टाइम। बात करें यूनिट की, देन चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ओके, इसे एम्पियर भी कहते हैं। तो एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पे इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होगा वो एम्पियर भी होगा। एम्पियर को ऐसे डिनोट करते हैं। अब बात करें स्मॉल क्वांटिटीज़ की, तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में ये चीज़ें न्यूमेरिकल में आपको यूज़ आएंगी, इसलिए ये टू पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है 1 μA एंड सेकेंड वन इज 1 mA and 1 μA। तो 1 mA को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एंड माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ओके, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पहले ही डिसाइड हो गई थी, इलेक्ट्रॉन के आने के पहले ही डिसाइड हो गई थी। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन के मोशन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। ओके, इसे आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक वाटर पाइप है और उसे किसी हाइट पर रख दिया जाए, तो हाइट पे एक सोर्स है जिससे कि वाटर सप्लाई हो रहा है, तो वाटर हायर से लोअर में जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाती है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, दैट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव।
क्वांटिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इन द सेंस इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आए है और यहाँ पे एक आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ओके, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्जेस की बात करें तो टोटल जो सिंपली ऐड होता है वही होगा, जो रूल्स हैं सिंपल वही यहाँ पे यूज़ होंगे। 5 + 2 = 7 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, या 3 पॉजिटिव है। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट। ओके, सपोज अगर आपके पास कोई सर्किट है और आपको जानना है कि उसमें कितने करंट सप्लाई हो रहे हैं, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिससे आपको उस करंट के वैल्यू पता चल जाए। तो हम इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस होती है अमीटर, वो यूज़ करते हैं। और इस डिवाइस को हम सर्किट में सीरीज़ में ऐड करते हैं। ओके, सीरीज़ में ऐड किया जाता है। सपोज आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट में बैटरी लगी हुई है, बैटरी इन द सेंस सेल ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, सेल ऑफ कॉम्बिनेशन वन और मोर देन 2 सेल्स। ओके, के इज द की को आप टैप करेंगे तो सर्किट ओपन और क्लोज होगा। ए इज़ द एमिटर एंड दिस साइन इज फॉर बल्ब। ओके, अब क्या होगा, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सो डायरेक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो के थ्रू। अब ये सर्किट क्लोज कब होगा और कब ओपन होगा, कंडीशन ये है, अब अगर आपने टैप की को क्लोज कर दिया तो सर्किट ऑन हो जाएगा और इसमें से करंट फ्लो होगी, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा। की को आपने ओपन कर दिया, इन द सेंस ये ओपन सर्किट हो गया, और ओपन सर्किट में करंट का सप्लाई नहीं होता है, सो बल्ब का ग्लो नहीं होगा। ओके, सो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि फॉर क्लोज सर्किट इट इज़ ऑन कंडीशन एंड फॉर ओपन सर्किट इट इज़ ऑफ कंडीशन। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई के लिए जो सोर्स हम यूज़ करते हैं वो बैटरी जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को, देन इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मोशन करते हैं सर्किट में, और फिर इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक टाइप का फोर्स क्रिएट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स पर, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स हम उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो सिंपल सी ये चीज़ मैंने बताई है। और अगर डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर आप किसी यूनिट चार्ज को वन पॉइंट से, ये चार्ज क्यू है, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं, A से A to B ले जाना चाहते हैं, तो A से B तक ले जाने के लिए उस पर जो वर्क होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, और V इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। सो इसका जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो V इज इक्वल्स टू W/Q। हियर W इज वर्क एंड Q इज चार्ज। यूनिट वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, एंड चार्ज का कूलम। ओके, तो जूल पर कूलम भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट से भी बताया जाता है, इसकी यूनिट को वोल्ट भी कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए तो आपको ओम्स लॉ इजीली समझ में आ जाएगा। आपके पास सपोज एक बैटरी है और उसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। ओके, उसको आपने किसी सर्किट में ऑन किया। ओके,
उस सर्किट में आपने अप्लायंसेस भी ऐड किए, सपोज बल्ब ऐड किया, तो जब आप 1.5 वोल्ट की बैटरी को उस सर्किट में ऐड करके उस सर्किट को ऑन करेंगे, तो जो बल्ब की इंटेंसिटी है, ग्लो करने की जो इंटेंसिटी है, वो आप मेज़र कर लें। ओके, मतलब वो करंट आप मेज़र कर लें। फिर क्या करें, सेकंड टाइम पे आप टू सेल्स, वन सेल और ऐड कर लें, तो टोटल आपके पास टू सेल्स हो गए, और उसी वैल्यू पे, पोटेंशियल की 1.5 वैल्यू पर ही सेकंड सेल भी आप ऐड कर लें, तो कितने हो गए यहाँ पे आपके टू सेल्स, तो टोटल थ्री वोल्ट हो गए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तब उस बल्ब की इंटेंसिटी कुछ और होगी, थोड़ा हाई होगा, बल्ब का जो ग्लो है थोड़ा हाई होगा। ठीक है, सिमिलरली आप थर्ड सेल ऐड कर लें, तो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ किया है, मतलब सेल को ऐड किया है सर्किट में वन बाय वन, तो आपका जो करंट है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो करंट और वोल्टेज में रिलेशन ओम्स ने बताया, ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन बताया। उन्होंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है कि अगर किसी क्वांटिटी को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो अदर क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं फर्स्ट क्वांटिटी को तो सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देन प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव, तो आपका एक कॉन्स्टेंट टर्म यूज़ होगी, और वो हमने यूज़ किया है आर, आर इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, ये नई क्वांटिटी यूज़ हुई, तो रेजिस्टेंस क्या है, अब यहाँ पे न्यू क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो एक अपोजिशन फैक्टर है, अपोजिट, जैसे आप करंट किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट को रोकने का काम रेजिस्टेंस का होता है। ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम, उसके ऑब्स्टेकल का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओके, इन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पर ही इनके यूनिट का नाम हुआ, और इस फॉर्मूले से आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपने आर को इंक्रीज़ किया तो वी भी इंक्रीज़ होगा, बट आई की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ओके, और अगर आपने आर को डिक्रीज़ किया तो वी डिक्रीज होगा बट आई इंक्रीज होगा। ओके, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपोजिट नेचर उसका होगा। अब देखिए, आर की जो वैल्यू है वो जिस फॉर्मूले से बना है, मीन्स वी और आई से बना है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। आर इज नॉट डिपेंड ऑन वी एंड आई, आर वी और आई पर डिपेंड नहीं करता है, ये एक अलग ही क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। एक्चुअली ये डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज अगर आपके पास एक कंडक्टर है और उसका लेंथ एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं ए, तो आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मीन्स रेजिस्टेंस, अगर आपने कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और लेंथ को लेस कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर आप थिन वायर लेते हैं तो थिन वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होता है तो रेजिस्टेंस हाई होगा, और अगर आप थिक वायर लेते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा इसलिए रेजिस्टेंस लो होगा। ओके, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए। अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो आपके पास एल बाई ए आ जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो एक न्यू क्वांटिटी ऐड हुई है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो एक्चुअली रेजिस्टिविटी अब का पर यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस है, अगर आप इस कंडक्टर की लेंथ को वन यूनिट कंसीडर करते हैं, क्या यूनिट कंसीडर करते हैं, वन यूनिट, मीन्स अगर मीटर ही लेंगे तो वन मीटर, सेंटीमीटर और
मिलीमीटर की भी बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम 1 मीटर लेते हैं। तो 1 मीटर में जितना भी ऑब्स्टेकल होगा या जितना भी अपोजिशन होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसी को बोलते हैं रो। ओके, रो का यूनिट होता है। तो रो इस फॉर्मूले से रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल हुआ। आर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर, एंड एल का मीटर। ओके, मीटर से मीटर कैंसिल, देन रो इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे इसे स्पेशल रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, दूसरा नाम स्पेशल रेजिस्टिविटी भी है। अब सेम आर के जैसी ही यहाँ पे भी चीज़ें आ गई कि आर डिपेंड नहीं करता था जिस फॉर्मूले से बना है, तो यहाँ रो भी डिपेंड नहीं करता है एल, ए और आर पे। रो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आप मेटल्स और अलॉयज की बात करते हैं यहाँ पे, तो रो इंक्रीज, अगर आप रो की वैल्यू देखेंगे, इंक्रीज कब होगी, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रो भी डिक्रीज होगा। रो मींस रेजिस्टेंस, पर यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस। ओके, मींस अगर आपके पास कोई मेटल है, मेटल में हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, फिर करंट स्लो हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। अब अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो रो डिक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे आर की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी और करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने आज के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस की। हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ एंड फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओके गाइस, आज की क्लास हम यही क्लोज करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।